ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। भारत में एक दिन में कोरोना के 46,951 नए मामले सामने आए हैं, यानी देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जोर शोर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना सबसे ज्यादा बेकाबू महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। संक्रमण के नए मामलों में इन राज्यों की भागीदारी 80.5% है। दिल्ली में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। लोकसभा से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी मिल गई। लोकसभा में इस बिल को पास होने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में इस बिल को पास होने के बाद दिल्ली सरकार से ज्यादा उपराज्यपाल को सबसे ज्यादा अधिकार होंगे। ऐसे में यदि सरकार बिना उपराज्यपाल के इजाजत से कोई फैसला लेती है तो उपराज्यपाल उस फैसले पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। दिल्ली में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल होगी। इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को जारी निर्देश में कहा गया है कि अब कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच 6 से लेकर 8 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। इससे पहले अब तक 28 दिन के अंतराल पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही थी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह संशोधित अंतराल केवल कोविशील्ड पर लागू होगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इसमें कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इसके अलावा मनोज बाजपेयी को फिल्म भूसले के लिए तथा तमिल फिल्म असुरन के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के दौरान बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया।